तुम्हारी जन्मी नहीं जो मुझे मार सके, महिषासुर को मार सके। महाराज की जय, महिषासुर की जय। तो चलो हम स्वर्गलोक पर आक्रमण करते। महाराज की जय, महिषासुर की जय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। भगवान, महिषासुर नामक राक्षस ने पृथ्वी पर हाहाकार मचा दी है। वो न हमें पूजा करने थे और न ही हमें हवन कर रहे थे भगवान। अब हम क्या करें भगवान? ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। इसका उपाय तो मेरे पास भी नहीं है, आपका क्या विचार है गुरुवर? हम ब्रह्मदेव के पास जाकर इसका उपाय पूछते हैं, उनके पास इसका उपाय अवश्य होगा। चलिए चलिए। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। प्रणाम भगवान। आयुष्मान दो, आप दोनों और यहाँ सब खैरियत तो है? महिषासुर नामक राक्षस ने पृथ्वी पर हाहाकार मचा दी है। वो ना हमें पूजा पाठ करने देता है और ना ही हमें हवन करने देता है भगवान। उसकी सारी शक्ति का कारण हम ही है भगवान। आप उसकी घोर तपश्चर्या से प्रसन्न होकर हमने ही उसे वर दिया था। आप क्या कह रहे हैं भगवान? इसका उपाय तो हमारे पास भी नहीं, चलो हम विष्णु जी के पास चलकर इसका उपाय पूछते हैं। चलो पूजा पाठ करने देता है और ना ही हमें हवन करने देता है भगवान। वो इतना शक्तिशाली और निडर कैसे हो गया? क्या कहे विष्णु जी, ये सब हमारे वजह से हुआ। क्या भगवान? आपकी वजह से? उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर हमने ही उसे वर दिया था। कैसा वर? कि उसकी मौत कोई देवता या नर के हाथों न होकर एक नारी के हाथों होगी। बड़ी गंभीर समस्या है, इसका उपाय तो हमारे पास भी नहीं। गुरुवर, क्या हम कैलाश चलकर भोलेनाथ जी से इसका उपाय पूछ सकते हैं?
हाँ हाँ उनके पास इसका उपाय अवश्य होगा। चलिए चलिए। महिषासुर नामक राक्षस ने हम सबके नाक में दम कर रखा है। वो ना हमें पूजा पाठ करने देता है और ना ही हमें हवन कर रहे थे भगवान। वो इतना शक्तिशाली और निडर कैसे बन गया जिसने स्वर्ग लोक पर हल्ला मल दिया। क्या आप कहे भोलेनाथ, ये सब हमारे वजह से हुआ। क्या आपकी वजह से? उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर हमने ही उसे वर दिया था। कैसा वर भगवान? कि उसकी मौत कोई देवता या नर के हाथों न होकर एक नारी के हाथों होगी। उसके वर के दम पर वो हम सबको परेशान कर रहा है। क्या हम उसके अत्याचार ऐसे ही सहन करें, हाथ पर हाथ दिए बैठे रहे? इस समस्या का हल मेरे पास है। कैसा हल ब्रह्मदेव? हम सब एक साथ होकर ऐसी शक्ति निर्माण करेंगे कि जिसके हाथों वो भस्म हो जाएगा। चलिए हम शक्ति निर्माण करते हैं। चलिए। चलिए भगवान, हम आदिशक्ति का निर्माण करते हैं। चलिए ब्रह्मदेव, चलिए इंद्र। हे आदिशक्ति आदि माया, हम सबके अंदर के तप से आपका निर्माण कर रहे हैं। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। हे आदि माया, प्रकट हो। हे आदि माया, प्रकट हो। हे आदि माया, प्रकट हो। प्रकट हो। हे आदि माया, प्रकट हो। आदि शक्ति जगदम्बे की जय हो। आदि शक्ति जगदम्बे की जय हो। जय हो, जय हो। Go!
हे सुंदरी, हे सुंदरी, कौन हो तू? तू मुझसे विवाह करेगी? विवाह? और तुझसे? क्या कमी है मुझ में? तुमसे विवाह? शक्ल देखी है अपनी? मैं सबका राजा हूँ, शक्तिशाली हूँ। अच्छा, तू सबका राजा है और शक्तिशाली है, तो चल लड़ाई हो जाए। नहीं बाबा नहीं, तू तो एक अबला नारी है, तुझसे क्या लड़ना। अच्छा, मैं अबला नारी हूँ, क्यों डर गए? डर? और मुझे? अच्छा, तुम्हें डर नहीं लगा, तो ठीक है मुझसे लड़ाई करो। अगर इस लड़ाई में तुम जीत गए तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। वचन देती हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अगर तुम इस लड़ाई में जीत गए तो मैं तुमसे विवाह करूंगी और तुम्हारी दासी बनूंगी। तो ठीक है। ठीक है, चलो फिर लड़ाई की तैयारियाँ शुरू करो। ठीक है, चलो। प्रियवासिनिहासरते शिखरिशिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभगञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैल Get out of the beat.
विण संसारी अनाथ नाथे अम्बे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणा ते वारी हारी पड़लो आता संकट निवारी त्रिभुवन भुवनी पाहता तुझ ऐसी नाही चारी श्रमले परंतु न बोलवे काही साही विवाद करता पडलो प्रवाही ते तू भक्ता लागी पावसी लवलाही वदने प्रसन्न होसी निज दासा तान पासून सोडवी तोडी भव पाशा सुबे तुझ वाचून कोण पूर्वी आशा नरहरी तल्लीन झाला पद पंकज लेशा दुर्गे दुर्घट भारी तुझ विण संसारी अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणा ते वारी हारी पड़लो आता संकट निवारी That was truly mind-blowing and awe-inspiring performance. I think they deserve